नमस्कार, आप नेशन न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। बिहार में नई सिरे से नई सरकार चलाई जा रही है। आपको पता है कि महागठबंधन की सरकार का एक बार फिर से गठन हो गया है, जहां नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार को नए शीर्ष पर ले जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आज बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और खेल विभाग के कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय का आवागमन हुआ। आपने देखा तस्वीरों में कि किस तरह से झाझा के जो प्रतिष्ठित व्यावसायिक और जाने माने समाजसेवी काजू यादव है, उनके आवास पर जितेंद्र राय का आवागमन हुआ है। बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और उन्होंने मीडिया से कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार नए शीर्ष को छुएगा, चाहे वो खेल की बात हो या फिर उद्योग की बात हो, रोजगार की बात हो या शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो। तमाम चीज़ों पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से बिहार को नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आज उनके स्वागत समारोह में झाझा के सुनील कुमार, जो कौशल युवा केंद्र के जो है वो डायरेक्टर भी हैं, जो व्यवसायी हैं महेश कुमार, वो मौजूद थे। कमीशन ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश यादव, तमाम लोग सहित दर्जनों आरजेडी कार्यकर्ता मौजूद थे। तमाम लोगों ने कहा कि आज राजद और जदयू के नेतृत्व में महागठबंधन की जो सरकार चलाई जा रही है, उसमें बिहार नए शीर्ष को छूने के लिए लगातार अग्रतर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्रिकेट सर, क्योंकि यहाँ के युवाओं को क्रिकेट काफ़ी पसंद है और क्रिकेट का मान्यता अब तक बिहार को नहीं मिल पाया सर। क्रिकेट में थोड़ा सा संघ में जो उनका विवाद है, उस कारण निश्चित रूप से बिहार पीछे गया है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाकर एक संवाद करें कि किस तरह हम लोग बिहार को उसमें आगे ले जाने का काम करें। रही बात खेल में, तो विगत 3 वर्ष में राष्ट्रीय एथलेटी में हम लोग 329 पदक ही जीतने का काम किए थे। इस बार राष्ट्रीय एथलेटिक जो कार्यक्रम हुआ पटना में, 16 राज प्रतिभागी बने, हम लोग उसमें 70 पदक जीतने का काम किया। चूँकि हमारे यहाँ मेडल कम आता था, जिसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को जो ये खेल सामग्री बनाते हैं जो तमाम लोग, उनको बिहार पर फोकस नहीं था। जब हमारे यहाँ से खिलाड़ी निकलेंगे तो बिहार फोकस होना उनकी मजबूरी हो जाएगी, और हमको उम्मीद है कि आने वाले दिन में वो तमाम खेल सामग्री बनाने वाले जो भी निर्माण करता है वो बिहार की तरफ आने का काम। सर, झाझा में स्टेडियम अभी तक नहीं मिल पाया सर, या अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो राज्य स्तर से पर भी चुने जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए स्टेडियम की यहाँ व्यवस्था नहीं है झाझा में। पूरे बिहार में जितने ब्लॉक में स्टेडियम नहीं बने हैं, हम लोग ने जिला प्रशासन से मांगा है कि जो आपके पास भूमि है उसको चिन्हित करके जल्द से जल्द भेजने का काम कीजिए कि आगे हम लोग वहाँ पर स्टेडियम बनाकर खेल को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर हम लोग अपने सरकार की तरफ से स्टेडियम बनाने। कई ऐसे खिलाड़ी और क्रिकेट के लिए झाझा के खिलाड़ी काफी नाम कमाए हैं आज से नहीं, शुरू से। फुटबॉल में तो हम लोग काम कर रहे हैं, क्रिकेट वाला बात आपको बताए ही कि थोड़ा उनके संग उनका जो है, हम लोग प्रयास करेंगे कि उनका भी विवाद निपट जाए और बिहार क्रिकेट जो BCCI है उस वहां तक खेलने में उनको अनुमति मिले और बिहार के भी खिलाड़ी भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिले, इस काम में भी हम लोग प्रयास करें। थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि अभी 20 दिन तो ही सरकार बने हुए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार में वो तमाम चीजें जो उपलब्ध नहीं है उसको पूरा करके खिलाड़ियों को हम लोग पहुंचाने का। यादव जी ने एज मिनिस्टर दो दो बार यहाँ घोषणा की थी, दो चुनाव देखिये, ये अनुमंडल बनाने का जो प्रक्रिया है उस पर जब आएगा विषय तो निश्चित रूप से आपके भावना को हम लोग वहां पर रखने का काम करेंगे और प्रयास होगा कि आपका ये पुराना मांग। सर, बिहार में नई सिरे से सरकार बनी है, क्या लग रहा है कि खेल क्षेत्र के अलावे भी अन्य क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो इन सब चीजों में भी तेजस्वी जी के नेतृत्व में अलग सिरे से बिहार नए शीर्ष को छुएगा? निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास होगा कि हर क्षेत्र में ये सरकार बनी है रफ्तार से चलने के लिए, और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का सीधा हम लोग को आदेश है कि आप लोग अधिक से अधिक समय काम कीजिए और जनता तक जो जनता का हक है उसको पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जंगल राज आने का ये संकेत है क्या? आपने तो रिपोर्ट देखा कि अपराध इधर जब से ये सरकार बनी है कम हुआ है, अब तो अफवाह मास्टर लोग बैठे हुए हैं बिहार में जिनका काम है
जिसका नाम है बड़का झूठा पार्टी, उनका काम है झूठ बोलना, प्रचार करना, अफवाह फैलाना, तो वो लोग तो करते रहेंगे क्योंकि पच नहीं न रहा है। सत्ता से बाहर जाने के बाद उनमें बेचैनी। ये सब 10 लाख रोजगार की बात जो कहे हैं वो क्या है? देखिए अभी तो 20 दिन हुआ है, हमारी सरकार तो प्रतिदिन रोजगार के सृजन और रोजगार किस तरह नौजवानों को मिले इस पर काम कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम लोगों से कि आप लोग को भी याद होगा कि 2014 में किस तरह से घोषणा किया गया था कि 2 करोड़ नौकरी प्रति साल दिया जाएगा। इस पर तो आप लोग सवाल करते नहीं, आप लोग उनसे भी सवाल कीजिए, क्योंकि इस देश में तो यही प्रॉब्लम है कि मुद्दे का बात होना बंद हो गया था। अब जब रोजगार चाहिए नौजवानों को, दर दर भटक रहे हैं, इस विषय पर आप लोग काम करना शुरू कीजिएगा तो हकीकत सामने